This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर जल मंत्री आतिशी आज से अनशन करेंगे। इससे पहले वो राजघाट जाएंगी और वहां बापू को नमन करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ से वापस आ सकते हैं। केजरीवाल को कल यानी गुरुवार को राउस एवेन्यू कोर्ट से नियमित जमानत मिली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि योग सिर्फ विधा नहीं विज्ञान भी है। एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है, इससे सहन शक्ति बढ़ती है और एकाग्रता भी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमृतसर के जेसीपी अटारी में जीरो लाइन पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने योग किया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के अवसर पर नौसेना कर्मियों ने INS देख पर योगाभ्यास किया। कश्मीर की धरती से पीएम मोदी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर योग साधना की भूमि है, योग की यात्रा अनवरत जारी है। राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद पंजाब के मंत्री और आप नेता कुलदीप धालीवाल ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि लोगों के स्तर पर भी अमेरिका का करीबी भागीदार बना हुआ है। विदेश मंत्री EM डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा की। यह उनकी पुनर्नियुक्ति के बाद EM द्वारा की गई पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ सकते हैं। राउत एवेन्यू कोर्ट से उन्हें जमानत मिलती है। इस पर अब उद्योग गुट के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। लोकसभा चुनाव में बीड सीट से बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे हार गई थी। अब बीजेपी मुंडे को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में लोग पुलिस से ये मांग करने लगे हैं कि गिरफ्तार रेप के आरोपी को उसे सौंप दिया जाए। पुलिस ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण रोक दिया है। यह फैसला लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद आया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में अपने साथी की कथित तौर पर हत्या कर फरार हुए एक व्यक्ति को 10 साल बाद मुंबई के पास थाने से सूप बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी। इस पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने खुशी जताई। लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे जालना के बड़ी कोतरी गांव में आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज चरांकी पर तंज कसा है। घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों की खरीदारी के दम पर नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और आज NSE का निफ्टी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। ताजा रिकॉर्ड के साथ ये 24,000 होने के और करीब आया है। इन दिनों भारतीय हेड कोच को लेकर चर्चाएं तेज है। अब सामने आई रिपोर्ट में बताया गया कि गौतम गंभीर से पहले VVS लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच बन सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में टीम इंडिया ने 20 जून को अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला। भारतीय टीम ने ये मुकाबला 47 रन से जीता। मोना सिंह और शर्वरी बाग की फिल्म बुंजा को बॉक्स ऑफिस पर आए 2 हफ्ते हो गए हैं और ये मूवी ठीक ठाक कमाई करी है। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।